इमरजेंसी पर्सनल लोन विदाउट सिविल स्कोर विदाउट इनकम प्रूफ। देखिए आप लोगों के सामने मैं अपना मोबाइल स्क्रीन अलाउ करता हूं और मैं यहां पे दिखा रहा हूं एक ऐसा एप्लीकेशन जो क्लेम करता है कि 1000 से लेकर 10000 तक का पर्सनल लोन लेने के लिए आपको ना तो सिविल स्कोर जो है दिखाना पड़ेगा, ना ही इनकम प्रूफ, ना ही बैंक स्टेटमेंट। सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है और एक सेल्फी क्लिक करना है और 1 से 2 मिनट के अंदर पैसा आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड काफ़ी लोगों का यहाँ पर हमारे पास कॉमेंट आ रहा है कि सर ये जो एप्लीकेशन है ये क्या सच में बिना इनकम प्रूफ का और बिना सिविल स्कोर का लोन प्रोवाइड करवाता है। तो आज के इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं कि क्या ये लोगों को लोन देता है या नहीं देता है, और देता है तो कितना तक का देता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगता है, कितना दिन के लिए लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, एप्लीकेशन के बारे में लोगों ने क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल वाले नोटिफिकेशन को बेलाव करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो सबसे पहले जैसे ही कंपनी के अबाउट सेक्शन को हम ओपन किए हैं, यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे लिखा है प्लेटफॉर्म ट्रस्ट बाय 5 मिलियन यूजर, कह रहा है कि इस जो प्लेटफॉर्म है इस पे 5 मिलियन लोग जो है भरोसा करते हैं। चलिए, और यहाँ पे कह रहा है कि 20000 तक का हम लोग लोन प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी RBI के अंडर रहकर, यानी कि NBFC का जो गाइडलाइन है, जो RBI का जो नियम है, उसमें हम लोग सारा जो है क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं, उसके बाद लोन प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे नहीं कहा गया है कि इनको लाइसेंस मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, रजिस्टर खाली लिखा है NBFC, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कंपनी कह रहा है कि 1000 से लेकर 10000 का लोन टाइम जो मिलेगा वो 91 डे का मिलेगा और मैक्सिमम 365 दिन का मिलेगा और मैक्सिमम एनुअल पर्सनल रेट जो होगा, जो इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है, वो 35% पर एनम के हिसाब से हो सकता है। प्रोसेसिंग फी भी यहाँ पे लगेगा जो कि मिनिमम 80 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 यहाँ पे होने वाला, जिसमें आपका GST भी इंक्लूड रहेगा, ये सारा यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस लोन को लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या देना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कहा है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी खास नहीं बताया गया, डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ यहाँ पे कहा है कि ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। तो ID प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड यूज कर सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी में कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि भैया अगर लेना चाहते हैं आप पर्सनल लोन, तो सबसे पहले तो एक आप भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपका एज लिमिट 18 साल से प्लस होना चाहिए और आपके पास कोई भी एक बेसिक इनकम का स्रोत होना चाहिए, तो हम आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। कंपनी कहाँ का रजिस्टर है, तो कंपनी गुवाहाटी के अंदर ये कंपनी जो है रजिस्टर है, आसाम के अंदर ये कंपनी का रजिस्टर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया कि हाँ इस तरह का डिटेल्स यहाँ पे बताया गया, क्या वास्तव में ये कंपनी लोन प्रोवाइड करवाता है ये नहीं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम देखिए, ये है स्क्रीन पे कंपनी का नाम और रेटिंग है इनको 4.3 का और डाउनलोड है इनका 1 मिलियन। आखिरकार जो 1 मिलियन एप्लीकेशन जिसका डाउनलोड है उस पर कैसे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो रिव्यू है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है रहा है कि पे रूपी चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड लोन फॉर वेरी शॉर्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई ले रहा है और यहाँ पे टाइम जो मिलेगा वो आपको कम मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि मुझे सिर्फ 14 दिन का टाइम मिला है और कंपनी कितना क्लेम कर रहा था कि 91 दिन का टाइम मिल रहा है। अब यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है इन्होंने भी कहा है कि वेरी बेड एक्सपीरियंस, यानी कि जितना भी मैं यहाँ पे रिव्यू पढ़ रहा हूँ लगभग लोगों ने इस एप्लीकेशन को खराब ही बता रहा है। अब अगर कोई एप्लीकेशन सही से लोन प्रोवाइड करवाएगा तो उसको लोग खराब क्यों बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोन ऐप्स जो है खुद का प्रमोट करवाता है और यहाँ पे जितना भी रिव्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये सारा यहाँ पे लोगों ने नेगेटिव रिव्यू ही दिया है, पॉजिटिव रिव्यू भी किसी ने दिया है। यहाँ पे देखिए जयप्रकाश, अगर इनको वेटर लगाए तो इन्होंने बताया, बाद बाकी यहाँ पे मिला जुला यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे यही चीज़ है कि जो टाइम है वो कम मिल रहा है और इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है। तो क्या इस लोन कंपनी से लोन के लिए अप्लाई करना है, तो देखिए अगर आपको पैसे की नीड है, काफी ज्यादा इमरजेंसी है, आपको लेना ही है, कहीं से नहीं मिल रहा है, तभी आपको ऐसे लोन ऐप से ट्राई करना है। बाकी मैं किसी को जो है यहाँ पे जो है ये नहीं कह रहा हूं कि इस लोन कंपनी से लोन लेना है। अगर आपको लोन लेना है, पैसे की इमरजेंसी है, तो इस प्रकार के बहुत सारे लोन ऐप्स भी अवेलेबल हैं जो ज्यादा आपको टाइम देता है, लो इंटरेस्ट लेता है। तो ऐसे कौन सा कंपनी है जिससे आपको लोन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो डिटेल्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। तो
आपको क्या करना है, मोर वीडियो के सेक्शन पे चलना है और यहाँ पे देखिए मैंने अपने चैनल के ऊपर एक नहीं लगभग यहाँ पे 750 से भी ज़्यादा वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने हर एक वीडियो में अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में बताया है कि आपको बिना इनकम प्रूफ का लोन कैसे मिलेगा, सवा खराब सिविल स्कोर पर लोन कैसे मिलेगा। तो ये सारा वीडियो को आप देखिए, सीखिए, समझिए। बाकी मैं किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी आप लोगों को देना, जो कि मैंने आप लोगों को दिया। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। साथ में फ्रेंड, अगर आप हमसे पर्सनल में कोई बात करना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं या तो किसी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले वीडियो में।